मामू, क्या मैं आपको पहचान पा रहा हूँ? हेलो मामू। मामू वेरी गुड मॉर्निंग। तो यार आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ प्यारू को लेने के लिए। यस, यानी कि अपनी सिस्टर को लेने के लिए। सिस्टर का बेटे का नाम है प्यारू, जो कि मामू ने रखा हुआ है। और ये येलो येलो डर्टी फेलो मैं इसलिए पहने क्योंकि मैं जस्ट अपना वर्कआउट कम्प्लीट किया है जिम से, इसलिए मुझे ठंड भी नहीं लग रही है और इसलिए मैं हाफ स्लीव में हूँ। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज विशाल द्विवेदी एंड यू आर वॉचिंग अ न्यू स्पेशल व्लॉग। चलते हैं जल्दी से सिस्टर को पिक करने के लिए, लेकिन उसके पहले कार में डीजल नहीं है, डीजल भरवा लेते हैं यार। तो यार डीजल तो फिल करा लिया है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि दीदी से मैंने बोला था, मतलब सिस्टर से मैंने बोला था मैं सुबह आऊंगा 9 बजे, और ऑलरेडी अभी हो चुके हैं 12। मैं भाग गया जिम क्योंकि आज वीकेंड है, तो मैं थोड़ा लेट उठा, तो मैंने सोचा कि लाओ यार एक काम करते हैं, थोड़ा आराम से जाएंगे। लेकिन वो बेचारी 9 बजे से रेडी बैठी हुई है। मेरी आज वॉट लगने वाली है, चलो जल्दी चलते हैं। हेलो प्यारू, हेलो। अरे कोई तो छुड़ लो हमारी बात। अरे हमको कोई देख तो लो, इधर इधर कोई देख तो लो। हेलो। बहुत सारी शैतानी हो रही है भैया प्यारू की, तो रशु का वेट हो रहा है। रशु भी जल्दी से आ जाए तो प्यारू रशु दोनों खेलेंगे साथ साथ। तो यार ये दिन दूसरा है, अब मैं अपनी आपको शक्ल नहीं दिखाना चाहता, मेरे साथ हो गया है क्योंकि कांड। अब लेकिन बिना शक्ल दिखाए व्लॉगिंग कैसे करूंगा? सो गाइज, हालत कुछ ये है। आपसे इससे पहले आप लोग कुछ भी कमेंट करो, आई नो मैं बहुत चोंगू टाइप लग रहा हूँ। यस आई नो, कल हो गया मेरे साथ कांड, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। कल जैसे ही घर पहुंचा, ओके, तो मेरे यू नो बियर्ड सेट नहीं थी, तो मैंने सोचा कि लाओ यार इसको सेट करते हैं थोड़ा, क्योंकि सलोन जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो मैंने ट्रिमर उठाया, ट्रिमर उठा के अपनी मोस्टेज कर रहा था ट्रिम, और एक साइड की उड़ गई। अब जब एक साइड की उड़ गई तो मुझे दोनों साइड की उड़ानी पड़ी, और जब दोनों साइड की मोस्टेज उड़ गई तो बियर्ड बहुत बेकार लग रही थी, तो मुझे बियर्ड भी हटानी पड़ी। तो भाई ये सीन है, तो कल मैं कहीं नहीं गया, शर्म के मारे घर पे पड़ा रहा। लेकिन मैंने सोचा भाई घर पे पड़े हुए काम तो चलेगा नहीं, तो भाई ये सीन है यार। अभी जाके अपने हेयर सेट करा के आया हूँ भाई, कल बहुत कांड हो गया। आई नो बहुत बेकार लग रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं यार, प्लीज एडजस्ट कर लो 2 दिन व्लॉग्स तक। मेरी बियर्ड बहुत जल्दी आती है तो आ जाएगी। तो अभी निकल रहा हूँ मैं घर, और घर जाके मम्मी लोगों को लेकर जो कल के प्लान्स थे, कल के बाद मैंने जैसे मैंने बताया कहीं नहीं निकला, मैं कहीं भी नहीं गया, तो सारे प्लान्स आज कैरी ऑन होंगे। अभी घर जाता हूँ, चेंज वगैरह करूंगा, शावर वगैरह लूंगा, उसके बाद मम्मी एंड दीदी को लेके चलते हैं फ्लैट दिखाने के लिए। चलो घर आ गए। यार देखो दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, और घर में सब लोग वेट भी कर रहे थे मेरा। मेरी शक्ल थी बेकार लग रही, मैंने कहा जाओ पहले सलोन जाते हैं, बाल सेट कराते हैं, अदरवाइज तो सेट था। जल्दी जाके चेंज करते हैं, शावर लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद ओके सॉरी सिरी। चलो भाई मामू, चलो चले, मामू के साथ जा रहे हो? चलो चला जाए। हाँ चलो चले पैरू के साथ, चलो लेट्स गो मामू। आज तो मामू कोई पहचान भी नहीं पा रहा है भाई। बोल रहे हैं आज तो मैं मामू को पहचान भी नहीं पा रहा हूँ, मामा को ज्यादा चकने चकने लग रहे हैं हमारे। मामू, क्या मैं आपको पहचान पा रहा हूँ? मामू, क्या कह रही है मम्मी, किसके कान बड़े? प्यारू के, प्यारू के। हम लोग कान छोटे छोटे हैं। बोले तेरे कान बड़े हैं क्या? नहीं नहीं, हम लोग कान छोटे हैं, दोनों जिया जी के कान बड़े हैं।
भाई देखो बड़े कानों का एक दीदी के पास एक वो है जवाब, क्या है बताओ जल्दी बताओ। एक क्रॉस आंसर है। हाँ। ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऐसे ही बड़े ही रहते हैं, बड़े में भी अब ये भी बड़ा हो जाएगा तब भी इसका कान इतना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी उसका फेस छोटा है और कान तो उसी साइज का है इसलिए आपको कान बड़ा दिख रहा है, ठीक है। जब भी बड़ा हो जाएगा मेक सेंस, इसका चेहरा बड़ा हो जाएगा पर कान तो उतना ही रहेगा ना, समझ गई मम्मी। कान उतना क्यों रहेगा, चेहरा बड़ा होगा। अच्छा, ये आंख का रेटिना होता है ब्लैक वाला, वो ग्रो नहीं करता, वो जितना है उतना ही रहता है, तो कान उतना नहीं रहती। तो अब जब का फेस बड़ा हो जाएगा तो कान बड़े नहीं होंगे, तो वो उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेगा बस। और ये सब ज्ञान दीदी इसलिए दे रही है क्योंकि शी इज हैज डन पीएचडी फ्रॉम केजीएमसी। ओके, आई एम परस्यूइंग पीएचडी। या शी इज परस्यूइंग पीएचडी फ्रॉम केजीएमसी लखनऊ। केजीएमसी लखनऊ। सब तो ठीक है, ये तो बताओ कहाँ जा रही हो तुम? हम लोग जा रहे हैं काना का न्यू होम देखने। न्यू होम तो अभी बनाई नहीं है पूरी तरीके से। मामू जो आप यहाँ मुझे ले जा रहे हो वो तो अभी कुछ home. दिखता ही नहीं है, वो तो अभी कम्प्लीट ही नहीं हुआ है मामू। क्या हुआ, हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं और मैं बता दूंगा आपको मामू, ऐसे करा दो, मेरी जगह कहाँ होगी मामू मुझे बता देना, मेरी कौन सी जगह होगी। चलो डन, मेरा प्ले रूम कौन सा होगा। डन, ओके डन। कहाँ कहाँ शैतानी करूंगा, मुझे बालकनी बहुत अच्छी लगती है। ओके, मेरी बालकनी एकदम डेकोरेटेड होनी चाहिए। ठीक है डन, सब बता देना मामू। ठीक है, तो लास्ट टाइम कब गई थी देखने? मतलब मैं लास्ट टाइम बहुत टाइम हो गया, काम स्टार्ट हो गया था वहाँ पे? नहीं, काम भी स्टार्ट नहीं हुआ था। नहीं, तब तो भाई बहुत ड्रास्टिक चेंज है घर में इस समय। चलो तुम अब जा रही हो बेटा अपने फ्लैट का फर्स्ट लुक देखने के लिए। आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलो देखो यहाँ से फिर कौन सा फ्लैट है, ऊपर भूल गई फ्लैट पागल। ओके ओके, वाओ। चलो बताओ फर्स्ट इम्प्रेशन दो अपने। मैं फर्स्ट टाइम एक्चुअली अपने एक्सिस बैंक में आ रही हूँ। ये किचन है? अच्छा ये वाली? यस। अच्छा हाँ, रूमी काफी ब्रॉड है। इट्स वेरी ब्रॉड। यहाँ तक चलिए इसकी दीवार भी थी, सवार भी इसकी। वाओ गुड, फॉल्स सीलिंग हो गया। गुड फॉल सीलिंग कैसी लग रही है? हाँ फॉल सीलिंग चल, मैं बता रहा हूँ अभी नहीं ना, अभी स्ट्रक्चर बना है ना, फिनिशिंग थोड़ी ना हुई है, बस इसका स्ट्रक्चर बना है। अच्छी लग रही है, देखो बालकनी में चलो बाहर चलो। ओके नाइस, चलो बताओ जल्दी से मामू मेरी प्ले वाली जगह किधर है? वेरी माय प्ले प्लेस। मेरा प्ले स्टोर कहाँ है? मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बनाना खाऊंगा। बनाना? बनाने नहीं। तो जो प्रीवियस वीडियोस हैं तुम्हारे ना उसमें किचन समझ में नहीं आ रही है इतना। एक्चुअली में देखने में किचन बहुत ब्रॉड है। अच्छा रूम देखो ये वाला मास्टर बेडरूम। चलो इधर आओ मास्टर बेडरूम में। ओके गुड, रूम भी ब्रॉड हो गया। गुड गुड मामू, ऑल सेट। देख लिया घर? जल्दी बताओ घर देखा है तुमने, कैसा लगा? मामू मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मामू मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं आप कहाँ लेके गए थे, मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। बता दो जल्दी मामू को। यस चलो हम लोगों ने देख लिया भाई घर, अभी हम लोग निकल रहे हैं टी पीने के लिए। चाय पियोगी गुड़िया? हाँ कुल्हड़ चाय। कुल्हड़ चाय यमी यमी वाली है, और साथ में भेलपूरी या फिर मैगी? नहीं ओनली टी। भाई मैं तो भेलपूरी खाऊंगा, जो अगर इन लोगों ने खाई सोच लो ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, खाओगे तो नहीं? नहीं पक्का, पक्का टेस्ट भी नहीं करोगी? बहुत पेट भरा, नहीं टेस्ट कर सकती हो। इसका टेस्ट करना मतलब आधा खा जाना मेरा है। हाँ, मम्मा कहाँ चलना है बताओ?
चलिए बेटा कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं। चलो 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 कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं भाई। भाई फाइनल कर लो क्या खाना है। मैं चाय लूंगी और हो सकता है मेरा माइंड चेंज हो चुका है, शायद मैं भेलपुरी भी। नहीं, तुमको भेलपुरी सिर्फ टेस्ट करनी है। अच्छा ठीक है, तुमको क्या खानी है मामू? और अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि हम लोग कहाँ हैं भाई, इस समय है हम लोग 1090 चौराहे पे, जिसको बोलते हैं लखनऊ की चौपाटी, आगे जाके है जस्ट। ओके, पूरा फूड मार्केट लगता है यहाँ पे। तो एज एन हम लोग यहाँ पे आ गए, अंदर को जाके कुछ खाने का ऐसा मन नहीं है, उल्टा सीधा बहुत दिन से चल रही मेरा उल्टा सीधा खाने का, तो सिर्फ यहाँ पे आए। मैं सिर्फ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अंदर जो ये सीधा रास्ता जाता है, ये पूरा लखनऊ की चौपाटी है। मतलब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टॉल्स लगती हैं सारे वेजिटेरियंस की, शायद नॉनवेज भी लगता है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन खूब सारे फूड जंक्शन से मिलता है। फिलहाल हम खा रहे हैं अभी बिल्कुल। मम्मी अरे आपके वाले बिल्कुल प्याज चल गया था। प्याज चला गया? हाँ, वो तेरे वाले प्याज था क्या? हाँ। उसके में था? नहीं नहीं, तेरे प्याज का मैंने बाद में खाई ना, तेरे वाले प्याज नहीं था। आपको टेस्ट नहीं आ रहा प्याज का? नहीं है प्याज मेरे में। देखो उसने सेम भगोने में बनाया जिसमें प्याज था, समझी? फिर प्याज थोड़ा बहुत तो रह गया होगा उसमें। क्या बुलाओ उसे? बुलाओ उससे क्या होगा, खा तो लिया आपने आधी। अगर कोई कह रहा है कि बिना प्याज का बनाना, तो आपको चाहिए कि दूसरे भगोने में बनाओ। चलो अब आपने आधी खा ली, देखो थोड़ा थोड़ा प्याज नहीं दिख रहा इसमें, देखो नहीं। वन टू थ्री। चला जाए जल्दी, बताओ चले घर? चलो 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 चलो, बैठो बैठो भैया गाड़ी में बैठो सब लोग, चलो चला जाए। हो गई चाय, चाय इतनी कुछ खास नहीं थी मम्मी, चाय नहीं जी नहीं है ना अच्छी। हाँ कम पक गया, पानी भरा था चाय में, कम क्या पकी थी। हाँ। हाँ, अच्छी चाय होनी चाहिए ना। चलो हम लोग निकल रहे घर। आज यहाँ पे जो चौपाटी वाला जो भीड़ लगती है, रश लगती है, अच्छा खासा रश लगने लगा है। अब कहो तो आप लोगों को दिखाऊं चल के, लेकिन मैं वहां पे जाके फंस जाऊंगा इन नो, क्योंकि अच्छे खासे वहां पे रश होगा इस समय। वीकेंड भी ऐसे हिसाब से लग भी रहा है रश। चौपाटी तो नहीं चलना है देखने? ऐसे चलो, ऐसे चल के वापस आ जाएंगे, उतरेंगे नहीं। चलो चलो चलते हैं, ऐसे चल के देख लेते हैं एक बार। तो सामने बैरिकेडिंग लग गई है। हाँ। इसके आगे पूरी चौपाटी है। अच्छा मतलब वो ये वॉक वाला है? हाँ वॉक वाला है, पूरा फूड स्टॉल, पनीर वो सब, पनीर के आइटम्स। शॉपिंग भी है क्या? नहीं शॉपिंग नहीं, सिर्फ खाने का स्टॉल है। सब देखो लाइन कितना रश होगा अंदर, देखो। हाँ हाँ, तो कुछ इस तरीके से यहाँ की चौपाटी है। देखो यहाँ पे भी गाड़ी लाइन लगा हुआ है। अब ये तो अभी का रात में 11 बजे तक लगती है ना पूरा। अच्छा हाँ, अभी लगा रहेगा, अब जाके लग रहा है ना मार्केट पूरा। आई थिंक ये रिसेंटली लगना शुरू हुआ है। नहीं नहीं बहुत टाइम से लग रहा है, हम लोग आए नहीं कभी। अच्छा यस, तुमने कहाँ डिस्कवर किया ये? मैं बहुत पहले आया, मैं आता नहीं हूँ ना यहाँ पे, ये सब क्या खाने आएंगे। Once in a while, कभी कभार आ जाते हैं। मम्मा ये झूठ बोल रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ यहीं आते होंगे गर्लफ्रेंड्स घुमाने। काश यार, कौन देख रहा है इनको यहाँ आके, है ना मम्मी? गाड़ी लगाई बस यही दिन आ गए मेरे गर्लफ्रेंड यहाँ पे चौपाटी में घुमाऊं लगे। तो भैया घर पहुँचने से पहले हम लोग खरीदने जा रहे हैं मूंगफली। अब यहाँ से डिसाइड हो जाए कि कौन कौन मूंगफली खाएगा। मम्मी मैं तो खाऊंगा। मैंने बहुत खा लिया है, मैं मूंगफली नहीं खाना चाहती। यार ये बोल रही थी ना भेलपुरी नहीं खाएगी, पूरी खा गई पूरी प्लेट। मूंगफली तो अच्छी होती है, मूंगफली तो हेल्थ बेनिफिट भी होती है। तो खाओगी मतलब? हाँ, पेट बहुत भरा है पर फिर भी। मम्मी आप बता दो अभी थोड़ी खाओगी? मैं 3-4 खाऊंगी। चलो ठीक है, हम लोग का फाइनल हो गया भाई, थोड़ी बहुत खाएंगे फिर। थोड़ी बहुत नहीं, तुम लोग खा लोगे। लो भैया मूंगफली उंगली दो। चटनी चटनी रखी है अच्छे से भुजी हुई है मूंगफली? गरम देना एकदम। लो क्या रेट है? 1800 ग्राम 40 पाव। सही लगाओ एक पाव 40 का दे। 30 रुपए का दो।
30 वाली ना ना 35 वाली है। लाओ दो सर, 40 का एक पाव है, लाओ। अभी सस्ती होंगी मूंगफली की, इतनी रहेंगी असल में करवाना बढ़ गई। हाँ तो महंगा जाएगी। हाँ तो भाई मूंगफली मूंगफली तो ले लिए हम लोगों ने, अब निकल रहे हैं घर की तरफ, हो गई है शाम भी। That means कि अब टाइम हो गया है सब लोगों से बाय करने का भी। संजय गुड जॉब, सबसे करना है बाय। So guys, होप कि आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा हम लोगों का डेली व्लॉग्स का। मैं भी सो चुका हूँ। आप हाँ, और प्यारो भी सो गए इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। स्लेप्ट ये भी सो चुके हैं, मतलब ये साइन दे रहे हैं कि मामू अब व्लॉग अपना कर दो खत्म, अब मैं जब नेक्स्ट मॉर्निंग में उठूंगा तब मेरा व्लॉग स्टार्ट करना। तो गाइस बाय बाय, होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा, वीडियो एंजॉय किया है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट अमेजिंग व्लॉग में।